मॉर्निंग एवरीवन, जय माता जी। आई एम योर रिवियस टीचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एक्टिविटी बुक। सो टेक आउट योर एक्टिविटी बुक एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन, उसमें है क्वेश्चन 1। फर्स्ट वन, अ डे ऑफ द ईयर व्हेन वी सेलिब्रेट टुगेदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट इज कॉल्ड। अ डे ऑफ द ईयर मतलब दिन, सॉरी ईयर का ऐसा दिन जब हम क्या करते हैं, वी सेलिब्रेट टुगेदर एंड एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट इज कॉल्ड। हम सेलिब्रेट भी करते हैं और स्वीट्स एंड गिफ्ट्स है वो एक्सचेंज करते, एक दूसरे को देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ए पार्टी, बी फेस्टिवल और सी पिकनिक। तो उसको हम क्या कहेंगे, बी फेस्टिवल। सेकंड वन, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये लाइट का फेस्टिवल है, उजाले का, जिसमें हम दिए जलाते हैं। ए दिवाली, बी ईद, किसी क्रिसमस, कौन सा होगा, ए दिवाली। थर्ड वन, इट कम्स आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान, पूरा रमजान का मंथ होता है, उसके बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो कौन सा फेस्टिवल है, ए दिवाली, बी क्रिसमस और सी ईद। ऑफ कोर्स कौन सा होगा, सी ईद। फोर्थ वन, दिस दिवाली इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज, सॉरी दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ सिख गुरुज, जो सिख गुरुज थे सारे, उनका बर्थडे है वैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, ए होली, बी गुरुपुरब एंड सी दशहरा। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, बी गुरुपुरब। फिफ्थ वन, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ए क्रिसमस, बी दशहरा और सी गुरुपुरब। ऑफ कोर्स ए क्रिसमस। देन क्वेश्चन 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन, डेज इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, कलर्स का फेस्टिवल कौन सा है, होली। सेकेंड वन, गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड ऑन, गुरुद्वारास कब डेकोरेट किए जाते हैं, कौन से फेस्टिवल में, यस गुरुपुरब, गुरुद्वारास आर डेकोरेटेड ऑन गुरुपुरब। थर्ड वन, डेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज, 10 डेज के लिए कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जो 9 डेज के लिए होता है और फॉर लास्ट उसके 10th वाला जो डे होता है तब हम दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है, तो नवरात्रि। नवरात्रि फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर 10 डेज। फोर्थ वन, डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर, 15 अगस्त पे एवरी ईयर हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे, यस इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त एवरी ईयर। फिफ्थ वन, डेज इज नोन एज द फादर ऑफ अवर नेशन, कौन है फादर ऑफ अवर नेशन, महात्मा गांधी। क्वेश्चन 3, मैच द फॉलोइंग, दिवाली के सामने क्या आएगा, हम किसकी पूजा करते हैं दिवाली के दिन, गॉडेस लक्ष्मी की, तो फर्स्ट के सामने आएगा सी। सेकंड वन, ईद, उसके सामने आएगा डी रमजान। थर्ड वन, गुरुपुरब, उसके सामने आएगा गुरु नानक, ई। फोर्थ वन, क्रिसमस,
उसके सामने आएगा जीसस क्राइस्ट। बी एंड लास्ट वन दशहरा, उसके सामने आएगा लॉर्ड रामा। ए डन, नाउ टर्न द पेज। क्वेश्चन फोर, आइडेंटिफाई दिस डेट्स विद द फेस्टिवल्स इन इंडिया। डेट्स आइडेंटिफाई करनी है, ये फेस्टिवल कौन सी डेट पे आता है। तो फर्स्ट वन है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त पे कौन सा फेस्टिवल आएगा। बी इंडिपेंडेंस डे। 25 दिसंबर पे। ए क्रिसमस। 2 अक्टूबर। डी गांधी जयंती। एंड फोर्थ वन 26 जनवरी। सी रिपब्लिक डे। डन। नाउ क्वेश्चन फाइव, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड आपको लिखना है जो क्वेश्चन दिए हैं उनके लिए। फर्स्ट वन है इट इज़ अ बिग जॉइंट मिल। बिग जॉइंट मिल मतलब गुरुद्वारा होते हैं उनमें एक बड़ा सा ऐसा डेकोरम होता है, लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ मिलके खाते हैं, उस एक साथ मिलके खाना खाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। तो आपको वहाँ पे लंगर का स्पेलिंग लिखना है LANGER, लंगर। सेकंड वन इट इज़ हेल्प फॉर 10 डेज ड्यूरिंग दशहरा। कौन सा ऐसा फेस्टिवल है वो 10 डेज के लिए होता है। तो यस नवरात्रि, NAVARATRI, नवरात्रि। थर्ड वन इट इज़ द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। होली मंथ ऑफ फास्टिंग पूरे मंथ का फास्टिंग होता है। होली का मतलब होता है पवित्र, ऐसा पवित्र पूरे मंथ का फास्टिंग होता है, सब लोग फास्ट करते हैं, तो ऐसा कौन सा महीना है। रमजान, RAMZAN, रमजान। फोर्थ वन इट इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस। सारे इंडियंस हैं वो ये सेलिब्रेट करते हैं, तो मेनली हम दो फेस्टिवल जो नेशनल फेस्टिवल है वो सारे इंडियंस सेलिब्रेट करते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे एक तो रिपब्लिक डे एंड दूसरा इंडिपेंडेंस डे। आप दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो। फिफ्थ वन इट इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन को उनका बर्थडे मानते हैं, तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है। क्रिसमस। CHRISTMAS। क्वेश्चन सिक्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो हम वहाँ पे आंसर लिखेंगे वी सेलिब्रेट दिवाली बिकॉज ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर कंप्लीटिंग 40 ईयर्स ऑफ वनवास। इस दिन क्या हुआ था, भगवान राम अपने 14 ईयर का जो वनवास था वो ख़त्म करके घर वापस आए थे, इसलिए हम सब दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। सेकंड वन हाउ इज़ द फेस्टिवल ऑफ होली सेलिब्रेटेड। होली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो फेस्टिवल ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड विथ लॉट्स ऑफ कलर्स एंड फ्लावर पेटल्स। हम होली का फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं, लॉट्स ऑफ कलर, बहुत सारे कलर से खेलते हैं एंड फ्लावर पेटल्स होती है उससे खेलते हैं, वैसे सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड वन व्हेन डज द फेस्टिवल ऑफ ईद कम। हाउ डू वी ग्रीट अवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑन दिस डे।
ईद का जो फेस्टिवल है वो कब आता है और हम एक दूसरे को अपने फैमिलीज एंड फ्रेंड्स को कैसे ग्रीट करते हैं। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे, फेस्टिवल ऑफ ईद कम्स आफ्टर अ वन मंथ ऑफ फास्टिंग। फेस्टिवल ऑफ ईद कब आता है? पूरे मंथ के फास्टिंग के बाद। वी ग्रीट अवर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स बाय सेइंग ईद मुबारक। ऑन दिस डे हम एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं? ईद मुबारक, ऐसा बोल के। फोर्थ वन, हाउ इज़ द फेस्टिवल ऑफ गुरुपुरब सेलिब्रेटेड? गुरुपुरब का जो फेस्टिवल है वो कैसे सेलिब्रेट करता है करते हैं हम? तो ऑन गुरुपुरब पीपल गो टू गुरुद्वारा टू प्रे एंड कलरफुल प्रोसेशंस आर टेकन आउट एट वेरियस प्लेसेस। बहुत सारी जगह पे कलरफुल प्रोसेशंस का मतलब होता है बहुत सारी जगह पे लोग इकट्ठा होके कुछ मोर्चा निकालते हैं और ऐसे करते हैं ना, वैसे उनके जो गुरुज होते हैं उनकी पालकी लेके निकलते हैं और गुरुद्वारा में जाते हैं प्रे करने के लिए। नाउ फिफ्थ वन, व्हाट डू वी डू ऑन क्रिसमस? क्रिसमस पे हम क्या करते हैं? ऑन क्रिसमस पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज एंड गो टू चर्च टू प्रे। क्रिसमस पे क्या करते हैं लोग? क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और चर्च जाते हैं प्रे करने के लिए। एंड लास्ट वन, वाई आर सम फेस्टिवल्स कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स? नेम देम। क्यों कुछ फेस्टिवल को नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है? उनके नाम बताओ। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे, बिकॉज नेशनल फेस्टिवल्स आर कनेक्टेड टू इंडियाज़ फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिश रूल था उनमें से इंडिया को फ्रीडम मिली थी, इसलिए हम उसको नेशनल फेस्टिवल बताते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ऐसे नाम से। और वो कौन कौन से हैं? दी आर गांधी जयंती, रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे एक्सेट्रा। इससे ज़्यादा भी है, हमें अभी तो 3 ही दिए हैं बट इससे ज़्यादा भी हम लिख सकते हैं। नेशनल फेस्टिवल में बहुत सारे फेस्टिवल आ जाते हैं। डन, नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर एंड दिस सेमेस्टर इज़ ऑल्सो ओवर हियर। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेमेस्टर विद नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय एवरी वन, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।